गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान मुर्दाबाद का नारे के मामले को DPRO ने लिया संज्ञान। ग्रामीणों को सड़क की समस्याओं से मिलेगी निजात। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर देवकली विकास खंड अंतर्गत मुतुलजीपुर गांव में इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ग्राम प्रधान के खिलाफ कई दर्जन ग्रामीणों ने जमकर ग्राम प्रधान मुर्दाबाद के नारा लगाया था। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अवधेश चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम सभा की मुख्य मार्ग पर खड़ंजा न बिछने के कारण ग्रामीणों को बरसात के समय में काफी कठिनाइयां हो रहा है। कुछ लोग रास्ते में पानी भरने के कारण गिर जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने घर तक जाने का रास्ता पिच करवा दिया गया है। तमाम ग्रामीणों ने बताया था कि गांव के अंदर रास्ता बहुत खराब है। रास्ता खराब होने के कारण बरसात के दिनों में पानी लग जाता है। खराब रास्ते पर ग्राम प्रधान का एक बार भी ध्यान नहीं जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत करने पर ग्राम प्रधान द्वारा जेल भेजने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्य ने सहायक खंड विकास अधिकारी पंचायत देवकली को निर्देशित किया है। DPRO ने कहा कि यह कार्य चेक कराया जाएगा कि कार्य योजना में है या नहीं, अगर नहीं होगा तो इसे पूरक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत जल्द इस कार्य को कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? श्री पूजन सिंह चौहान। पूजन जी किस गांव के रहने वाले हैं? मुतुलजीपुर ग्राम सभा। पूजन जी किस ब्लॉक में मुतुलजीपुर ग्राम सभा पड़ता है? देवकली ब्लॉक। आप लोग इतना भीड़ इकट्ठा किया है, क्या मामला है? मामला ये है कि साहब गांव में कोई विकास नहीं। आप लोग देख रहे हैं तो पानी में खड़े हैं। हाँ तो वही तो है। अरे चक्रोट की समस्या है, उधर लाइटिंग की समस्या है, गाँव में सब पानी भरा हुआ है। आने जाने के लिए सब जो है हर जगह जो है गली गली में सब पानी या कीचड़ भरा हुआ है। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? अवधेश सिंह चौहान। आप लोग इस बाबत प्रधान से नहीं मिले? मिलते हैं लेकिन जो है वो सुनते नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि टाइम मिलेगा तो देखेंगे। अभी देखने भी नहीं आए क्या? वो तो डेली ही देख रहे हैं, तो गाँव के ही है तो देख ही रहे हैं। आगे मांग क्या करते हैं आप? मांग करता हूँ कि गाँव में जो है खड़ंजा लगे, नाली अच्छा से बने, आई चक्रोट जो है फेंका बढ़िया से है, और जो है मतलब गांव के बाहर बाहर। क्या नाम है आपका? रमा शंकर चौहान। रमा शंकर जी किस गांव के निवासी हैं? हम इसी मुतुलजीपुर गांव के, यहीं के देवकली ब्लॉक। आप लोग इतना भीड़ इकट्ठा किया है, क्या मामला है? भीड़ इकट्ठा इसलिए किया गया है कि हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं वर्तमान में, इनका दूसरा कार्यकाल है और आज तक गाँव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया इनके द्वारा। न कहीं पर कोई पक्की नाली बनवाई गई, जल बरसात का पानी जगह जगह पर जाम है, जिसके कारण से गांव में बीमारी तरह तरह की फैल रही है, और न इनके द्वारा कोई रास्ता बनवाया गया है। आदमी कीचड़ में हलकर जाने के लिए मजबूर है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि इस तरह का दृश्य आपको गांव में कई जगह दिखाई दे जाएगा। आपके गली गली में जिधर भी जाइएगा आपको पानी में से गुजरना है, कीचड़ से गुजरना है। क्या नाम है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान यहाँ के अवधेश चौहान है। आगे आप लोग मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस गांव में जो भी मतलब कार्य हुआ है उसकी कायदे से जांच हो जाए और हमारे जो शेष कार्य हैं उसको पूरा करवा दिया जाए। जो नाली खड़ंजा है, जल निकासी की व्यवस्था करा दिया जाए, आवागमन के लिए ठीक ठाक रास्ता बनवा दिया जाए ताकि गांव के लोगों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। हमारी यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जो कि केवल उधर शुरू में 4-6 महीना तक चला, उसके बाद से अब उसमें ताला लगा हुआ है। वहाँ पर गंदगी का अंबार है पूरा, आना जाना भी उधर से गुजर है, लोगों को नाक बंद करके रास्ते से गुजरना पड़ता है, इतनी गंदगी। कई बार अधिकारी आए भी, देखे भी, ग्राम प्रधान को डांट फटकार लगाए लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, और जो कहते हैं मामला उसी तरह से। आप लोगों का सामुदायिक शौचालय बंद है? हाँ बंद है। इस बाबत आप वीडियो से कभी शिकायत नहीं की आप लोग? बहुत बार शिकायत की गई है, लोग आए भी हैं, देखे भी हैं, लेकिन देख देख के चले जाते हैं। प्रधान जी दबंग हैं, पर सत्ता शासन का सहयोग है इनको, बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा दबाव बना दिया जाता है वीडियो पर, कोतवाल पर, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आगे मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो भी, और यहाँ पर बहुत काफी घोटाला भी किया गया है, यहाँ पर तमाम JCB से कार्य कराए जा रहे हैं। गांव के बाहर जितना भी काम हुआ है, हमारे यहाँ मनरेगा मजदूरों का हक जो है ग्राम प्रधान जैसे भी काम करवा कर पैसा उतरवा कर पूरा का पूरा पैसा ले लेते हैं मनरेगा मजदूरों को 100-200 दे के। इस तरह से यहाँ का काम चल रहा है। JCB के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे भैया, हम JCB के आगे बैठे थे, विपुल यहाँ पर है और भी बहुत तमाम लोग हैं, हम लोग JCB के आगे बैठे थे
जेसीबी को वहां पर हम लोग कई बार वापस भी कराए। काम हो रहा था चमुखनाथ धाम के पूरब तरफ उधर ताल के तीरे, तो जेसीबी को हम लोग रोके थे वहां पर, 112 नंबर को बुलाया गया, 112 नंबर रुकवाया जेसीबी को, लेकिन बावजूद उसके फिर जो है प्रधान जी द्वारा इधर उधर से अपना लिंक लगा लेते हैं अधिकारियों के द्वारा दबाव बना के, अब जो है लगातार जेसीबी से काम करवा रहे हैं। हम लोग भी थक गए हैं, कितने बार हम रोकेंगे जाके, कितने बार आगे सोएंगे जेसीबी के, वहां पर भी दंगा फसाद मारपीट होने का डर रहता है। बिल्कुल लगातार काम मनरेगा का कार्य करवाया जा रहा है सर, ग्राम पंचायत का जो भी कार्य होता है, जैसे यही पोखरा आप सामने देख रहे हैं बेलवरिया पोखरा के नाम से इसको जानते हैं, वहां पर सिंगई पोखरा के नाम से जाना जाता है, ये टोटल गांव और गांव के बाहर के जितने भी चक्रोड हैं केवल लूट वाट करने के लिए जेसीबी द्वारा काम करवा कर सारा धन सरकारी धन की लूट हो रही है। काम अधिकारियों का टोलफ्री नंबर होता है, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जैसे गाजीपुर डीएम का टोलफ्री नंबर है, टोलफ्री नंबर पर कभी संपर्क नहीं किए? नहीं सर, अब ऐसे तो हम लोगों ने कभी किए थे। अच्छा, मंगला प्रसाद डीएम साहब थे, उनसे बात की, कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई हुई सर? अपना परिचय दे। हां, रामनगिना चौहान, रामतुरजीपुर, ब्लॉक कौन सा पड़ेगा? देवकली। कितना आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या तो गांव की है, गांव वाले इकट्ठे होंगे, गांव में समस्या होगी तो गांव वाले इकट्ठे होंगे, बाहर का कोई तो आएगा नहीं बताने के लिए। और मेरे बात है, प्रधान का चुनाव होता है इसलिए कि ग्राम के विकास के लिए पब्लिक चाहती है कोई बढ़िया प्रधान मिले जो हमारे गांव की हमारी समस्याओं को हल करे, हमारी समस्याओं को ठीक करे। लेकिन प्रधान जो है अपने भाई भतीजा के चक्कर में है, अपने दरवाजे रास्ता साफ होना चाहिए, अपने यहाँ से लेकर वहाँ भिटा पर जाके घेर के मकान बनाए वो वहाँ तक ले रास्ता सही चाहिए, वहीं डमरू बिछना चाहिए, ईंट के माने पहले बना हुआ खरंजा है, कंप्लीट बना हुआ है खरंजा, पैसा गवर्नमेंट का उस पर लगा हुआ, दोबारा उसे उखाड़ के ईंट को इधर उधर गायब करके और उस पर डमरू लगाया जा रहा है कि हमारे पैर पर जो है मिट्टी नहीं चढ़े। पूरा गाँव इस जो जब देखिए दलदल में, ये देखिए क्या हाल है, मेन रोड है इस गांव का निकास, मेन रोड है चमुख धाम उधर जाता है, ये नहर मेरे इधर गांव से चारों तरफ आदमी जाने के लिए तड़पता है, यहाँ प्रधान को बुलाते मौके पर नहीं आके कोई कार्रवाई करते ना, देखते अब ये है आप आए हैं, प्रधान को मालूम नहीं है कि हमारे गांव में आए हैं मीडिया वाले? प्रधान को सारी बात मालूम है लेकिन उसे सत्ता का सहयोग मिला हुआ है। अध्यक्ष चौहान भाई, ऐसा आप आए चाहे भीड़ इकट्ठी गाँव प्रधान का यक बनता है, क्या बात होगी हमारे गाँव में, क्या दिक्कत है, कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं? गांव प्रधान इसलिए नहीं बनाता कि लूट के लिए सभा में लूट के रखे, गांव प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि गांव के भलाई के लिए बनाया जाता है, यहाँ वोट की राजनीति करके उनकी तरफ उसे गाँव में भिड़ा के लोगों को फंसा के ये लड़ते रहे, हम अपना काम सीधा करते रहे। जैसे पहले ग्राम सभा में जो मुख्य मार्ग है पानी लगा हुआ है, क्या पूरे गाँव इसी तरह है? पूरे गांव आप चलिए ना, आप वीडियो बनाए पूरे गांव की, प्रधान को बुलाइए, उन्हें अगर कोई किसी भेज को उनके घर पे इतला दिलवाइए और बुलाइए प्रधान आके बताएं कि नहीं क्या परेशानी है, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, गांव सही कह रहा है कि सब झूठे हैं, हैं? बरसात में होती है, बरसात में होती हमेशा समस्या है, जब इसमें पानी टूटा रहेगा रोड कम्प्लीट नहीं होगा समस्या नहीं रहेगी। अब किसान गेहूँ के टाइम में पानी भरता है तो इसमें पानी भर जाता है, उधर का किसान अपनी मेड़ पे सही कर देगा, इधर किसान अपनी मेड़ सही कर देगा, बीच में यहाँ पानी भरा रहेगा ना उधर निकलेगा ना इधर निकलेगा, जब भी पानी भरा रहता है नहीं तो ऐसा चलेंगे देखे और वो देखे आप देख लो। वरिष्ठ अधिकारियों से मांग हम यही करते हैं कि या तो मौके पर आके किसी सीनियर अफसर को भेजा जाए, पहले इसकी इंक्वायरी करे, वीडियो आप अफसरों को भी दीजिए, ये ऊपर अधिकारियों तक जा जो ये तक भेजिए इसे कि आके इंक्वायरी करवाए और देखें कि नहीं पब्लिक गांव की झूठ बोल रही है सच बोल रही है, आपको भी तो कहेंगे झूठा आ जाके क्लिप बना के लेके आगे डाल दिए आप इस पे मीडिया पे, तकलीफ है तू तो आ गोड़ पर हम आने जाने में तकलीफ है बेटी, और पाई पर जाते हैं कितने जाए धीरे मैदान के आए तो वो जो कल ईटा उतार के एकदम से पलट कर दिया जिस वजह से अब यह भूसा लगा था हुआ वो जो कल गिर गई बताइए मैं रट पड़ल है आई अब गांव में हल लाखना है एक टांग में हल पड़ल हुआ जो लेकिन बहुत तकलीफ है पुरनियन दुरनियन के कौनो गांव में जाने आने लाख कौनो डर पना है हुआ आई कुल तो धोती फुटिया के थोड़ा चल जाता माता जी जो रोडवा खराब है कब से खराब है? कब से खराब है हुआ कि जब से भर तब से खराब जैसे लड़का भयल जिसको हर गवाह प्रधान का हाथ जोड़ जब पहली अलग गोदी लेके भर गांव में घूम ली
एक दिन पानो न खेल कहली की भैया एक बना दे तो कहत हम कि अरे चाची हर कुल दर्द दया हमारे वहां दर्द दया का कनिया हेरो तो के माने करी थाना में प्रधान का अवधेश प्रधान हो दो वाला जीता ना तीन तीसरी अलग गांड मार के मरुआ भोग दी सब ग्राम सभा का विकास ना ना भयल ना भयल एक पर भयल ओखा तो बता दे आगे मांग का करत हो का ओकरी चाहिए आगे मांग का था कि पुल दहर बन जा है ना सब पुरनिया जा पर खाना बन जाओ के खाना के दूसर पर खाना बना दो खाना तो गांव में आपके बनल बनल है बाकी एक दिन बहनी ना भइल भर के एकदम बादल भइल है गए लोग के तो क्रिया खियाला हमार की हम ओकर मुंह देख ले आपके घर बना लेकिन आप खाना हमारे बनल तो हम मम का पाके थी हमारे प्रधान भी बनौले हूं बाकी हम का करी राम चल गए ना ऊपर अब लेको हम तन लान भी दो रखो ना बना तोली बाबू ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होने हैं उसकी कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं तैयार की जाती है उसको ग्राम सभा की खुली बैठक में पारित भी किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष की सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है तो उसमें ये कार्य सम्मिलित है या नहीं ये सबसे चीज देखना होगा। इतने लोगों की समस्याओं से जुड़ा है ये कार्य तो निश्चित रूप से उनकी कार्य योजना में होना चाहिए और इसको प्राथमिकता के आधार पर उनको कराया जाना चाहिए। किंतु अब ये कार्य पहले चेक कराना पड़ेगा कार्य योजना में है या नहीं। यदि नहीं है और ये आवश्यक है तो इसको सप्लीमेंट्री जो पूरक कार्य योजना है उसमें इसको डलवा के इसको करवाया जाए।